फिनवेस्ट में तो चलिए शुरू करते हैं जो हमने आपके लिए जो स्टॉक्स निकाले थे उनका हम रिव्यू कर लेंगे फोर हंड्रेड टू सेवन हंड्रेड की रेंज में जो स्टॉक्स में प्रोवाइड करता हूँ उनका भी रिव्यू कर लेंगे एट दी एंड में कल के लिए जो स्टॉक्स अच्छे होने वाले हैं उनकी हम बात करेंगे देखिए मार्केट में आजकल हो क्या रहा है एक्जैक्टली exactly अगर आप देखेंगे तो आफ्टर ट्वेल्व ओ पी एम हमारा जो मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा ही वॉल्टिलिटी दिखा रहा है काफ़ी अप एंड डाउन दिखा रहा है उससे पहले बहुत ज़्यादा ही धीमा चल रहा है एट्टी परसेंट स्टॉक्स हैं वो तो गैप अप ओपन हो रहे हैं ओपनिंग में आप देखोगे तो गैप अप ही ओपन हो रहा है चाहे निफ्टी कुछ शो करे ना करे स्टॉक्स जो हैं गैप अप ओपन हो ही रहे हैं उसके बाद जो है बारह बजे के बाद आपको एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल रही है इस ऐसे में हम कर क्या सकते हैं जो हमारा रूल था कि पहली बार में अगर टारगेट अचीव हो जाता है दूसरी बार आपको कॉल नहीं लेंगे इसको हम थोड़ा सा चेंज करके ये कर सकते हैं कि जितनी बार आपका लेवल ब्रेकआउट हो उतनी बार आप बाइक कर सकते हैं अब फ्लैट मार्केट की ओर जो है मैं ज़्यादातर स्टॉक्स को देख रहा हूँ कि अगर स्टॉक मूवमेंट नहीं दे रहा है बारह बजे के बाद तो वो फ्लैट मार्केट पे ही चल रहा है फाइव पॉइंट अप टू फाइव पॉइंट डाउन ऐसा ही कुछ मार्केट चल रहा है ट्वेल्व हंड्रेड का अगर स्टॉक है तो टेन पॉइंट अप और टेन पॉइंट डाउन पे वो चल रहा है अपने प्रीवियस क्लोज से तो ऐसे में हमें प्रॉफिट निकालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है हर किसी के साथ तो आप एक चीज़ कर सकते हैं कि जितनी बार आपका लेवल ब्रेकआउट हो उतनी बार आप बाय कर सकते हैं तो चलिए हम शुरू करते हैं बजाज इलेक्ट्रिक से बजाज इलेक्ट्रिक मैंने आपको दिया था यूट्यूब चैनल पे यूट्यूब चैनल पे मैंने एक और चीज़ मैं आपको कल बताना भूल गया था जो कि मैंने टेलीग्राम चैनल पे बताई थी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन जरूर हो जाएगा मैंने कहा था अगर स्टॉक डाउन ट्रेंड में है तो पहले लेवल ब्रेकआउट को आपको क्या है छोड़ के चलना है चाहे गैप ऑफ ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है काफ़ी टाइम से ऐसा हो रहा है कि स्टॉक जो है गैप ऑफ ओपन हो रहा है उसके बाद डाउन आ रहा है वो लेवल ब्रेकआउट कर रहा है फिर दोबारा से डाउन चल जा रहा है या फिर उसी रेंज में जो है अप एंड डाउन करके दोबारा से एट दी एंड में डाउन चल जाए

तो इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमने वो आपको बताया था कि पहले लेवल ब्रेकआउट को छोड़ना है जैसे ये डाउन आते हुए पहला बार लेवल ब्रेकआउट हुआ तो इसको आप छोड़ देंगे उसके बाद दोबारा डाउन आके जब ये ऊपर जाएगा या फिर इस पॉइंट के नीचे आके यहीं पर नीचे आके दोबारा से जब ऊपर जाने के लिए लेवल ब्रेकआउट करेगा तब आप उसे बाय करेंगे पहले लेवल ब्रेकआउट आपको छोड़ना है अगर स्टॉक गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन हुआ है और स्टॉक जो है मूवमेंट नहीं दिखा रहा है यू बी एल की बात करूं यूबीएल में भी हमारा जो हमने आपको बताया था टेलीग्राम चैनल पे कि फर्स्ट लेवल ब्रेकआउट आपको छोड़ना है तो फर्स्ट लेवल ब्रेकआउट छोड़ के तो वो जब आपने छोड़ा होगा तो दूसरे दूसरी बार ये लेवल ब्रेकआउट ही नहीं हुआ दूसरी बार लेवल ब्रेकआउट नहीं हुआ शॉर्ट सेलिंग साइड का हमारा एक ही टारगेट प्राइस यहाँ पे अचीव हो पाया अगला था हमारा जो हमने आपको दिया था दीपांकर नाइटेड इसमें देखिए हमारे बाईस साइड के दो टारगेट प्राइस पहले शुरुआत में ही अचीव हो गए थे बाई साइड के दो टारगेट वाइज और शॉर्ट सेलिंग साइड का एक टारगेट वाइज यहाँ जाके हमारा इजीली अचीव हो गया था नोटिफिकेशन करेगी कि बारह बजे के बाद स्टॉक जो है काफ़ी अच्छी मूवमेंट दिखा रहे हैं तो इसने भी अपनी मूवमेंट दिखाई और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा बट हमने आपको बताया था कि पहले बार में टारगेट अचीव हो जाए दूसरी बार आपको कॉल नहीं लेंगे तो ये चीज़ हमारी वेस्ट गई तो इसी चीज़ के लिए मैंने आपको कहा कि दोबारा से आप जितनी बार लेवल ब्रेकआउट है उतनी बार आप कॉल ले सकते हैं यानी एंटरप्राइजेस की मैं बात करूं तो इसमें भी हमारा जो था शॉर्ट सेलिंग साइड के एक टारगेट प्राइज हमारा इजीली अचीव होकर मिल गया था जो हमने आपको स्टॉक देते थे फोर हंड्रेड टू सेवन हंड्रेड की रेंज में उनकी मैं स्टॉक की बात करूँ सबसे पहला था हमारा टाटा स्टील टाटा स्टील में भी देखिए शुरुआत में ये जो था गैप ऑफ ओपन हुआ गैप ऑफ ओपन होने के बाद पहला ले, जो ब्रेकआउट था वो यहाँ पे था पहला ब्रेकआउट छोड़ने के बाद दूसरा जो ब्रेकआउट था हमारा वो लगभग लगभग इस पॉइंट पे बना यहाँ से बनने के बाद इसने हमारे जो थे दो टारगेट प्राइज इजीली अचीव कर लिए थे तीसरा पला था हमारा स्टॉक जो था चोला फाइनेंस चोला फाइनेंस में हमारे शॉर्ट सेलिंग साइड के दो टारगेट प्राइज इजीली अचीव हो गए थे इसमें भी आपको जो है मिनिमम टेन पॉइंट्स मिल गए थे स्टॉक जो है गैप शो कर रहा था अब काफ़ी सारे स्टॉक जो है एट्टी परसेंट स्टॉक जो है गैप शो ही गैप ही गैप शो कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हमें चलना पड़ेगा पहले मिनिमम दो ट्रेड अगर आपने करी होगी दो ट्रेड आपने करी होगी तो आपको ट्वेंटी पॉइंट्स इसमें मिल गए होंगे मैं हमेशा बताऊँ मिनिमम दो ट्रेड आपको लेनी है क्योंकि अगर पहली बार में स्टॉक जो है आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है आपको लॉस होता है दूसरी ट्रेड में आप वो रिकवर करके कुछ अच्छे प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं इस स्टॉक की मैं बात करूं तो इस स्टॉक में भी हमारा जो था शॉर्ट सेलिंग साइड का तीसरा टारगेट प्राइस इससे कुछ दो पॉइंट नीचे था बट इसने जो है यहीं का अपना लो बनाया और हमारे दो टारगेट प्राइस प्लस कुछ एडिशनल पॉइंट आपको देखा चलिए हम शुरू करते हैं ट्वेल्व मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी वन के लेवल से सब पहला स्टॉक है हमारा एम एम जी अब करके चलेंगे इलेवन हंड्रेड सेवेंटी थ्री पॉइंट फाइव जीरो पे एक्जेक्ट एलेवन हंड्रेड सेवेंटी थ्री पे बाय नहीं करना है टारगेट रहेगा एलेवन हंड्रेड सेवेंटी एट एलेवन हंड्रेड एटी फाइव एलेवन हंड्रेड नाइनटी फाइव का स्टॉपलस रहेगा आपका एलेवन हंड्रेड सिक्सटी थ्री यानी कि अलेवन हंड्रेड पॉइंट फाइव जीरो पे आप अपना स्टॉपलस एट वन के ट्रेड से बाहर आएंगे रहे लेवल रहेगा आपका एवन टू का यानी कि एलेवन हंड्रेड सिक्सटी वन पॉइंट फाइव जीरो आप इसे शॉर्ट सेल करके चलेंगे टारगेट रहेगा एवन हंड्रेड

पहली बार में अगर स्टॉक गैप अप ओपन हुआ है और पहला पहला जो लेवल ब्रेकआउट है आप उसे छोड़ेंगे यानी कि लेवल जो जैसा कि आपको मैंने अभी चार्ट में समझाया था पहली बार का लेवल ब्रेकआउट आप छोड़ेंगे दूसरी बार जब लेवल ब्रेकआउट होगा तब आप बाय कर सकते हैं पहली बार में टारगेट अचीव हो गया दूसरी बार भी आप कॉल ले सकते हैं जितनी बार लेवल ब्रेकआउट होगा उतनी बार आप कॉल ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं फोर टू सेवन की रेंज में मैं स्टॉक्स प्रोवाइड करता हूँ जिनमें मिनिमम आपको टेन पॉइंट्स डेली के मिल जाते हैं रिव्यू मैंने आपको दे दिया है बाकी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन जरूर हो जाएगा क्योंकि मॉर्निंग में दो कॉल्स मैं वहीं पर प्रोवाइड करता हूँ आखिरी स्टॉक है हमारा ए यू फाइनेंस बैंक जिसे आप बाहर करके चलेंगे 1262 हंड्रेड सिक्सटी टू का लेवल ब्रेकआउट होने पे टारगेट रहेगा 1268, हंड्रेड एट हंड्रेड फाइव और 1282 हंड्रेड एट्टी टू का स्टॉपलस रहेगा 1250 हंड्रेड फिफ्टी का शॉर्ट सेलिंग का लेवल रहेगा 1248, हंड्रेड फॉर्टी एट स्टॉपलस रहेगा 1243, हंड्रेड फॉर थ्री फाइव और ट्वेल्व हंड्रेड ट्वेंटी एट का स्टॉपलस रहेगा आपका ट्वेल्व हंड्रेड सिक्सटी का और टारगेट शॉर्ट सेलिंग का लेवल रहेगा आपका 11... ट्वेल्व हंड्रेड फोर्टी एट का टारगेट रहेगा एलेवन 1243, 1235 और 1228 का स्टॉप लॉस रहेगा आपका 1260 का ये सब लेवल्स कैसे ब्रेकआउट होंगे मैंने अभी आपको समझा दिया बार बार समझाने की मुझे जरूरत नहीं है डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा चैनल का लिंक मिलेगा ज्वाइन जरूर हो जाएगा क्योंकि मॉर्निंग में दो कॉल में वहीं प्रोवाइड करता हूं मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद अगर आप इस चैनल पर नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा को दबाना मत भूलिएगा और वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर कीजिएगा